आज इतना भावुक हो चुका हूँ और ये जो सम्मान मुझे मिला है या फिर हमें मिला है, आज हमें एक्चुअल पता चला कि 5.5 साल पहले जो डिसीजन लिया था वो कितना वैल्यूएबल था। काफ़ी सारे लोग मुझे सिक्योर लाइफ के मिलते हैं और बहुत सारे लोग मुझे बाहर भी मिलते हैं, कहते हैं सर इस उम्र में आप डबल डायमंड बन चुके हैं और अभी तक शादी नहीं हुई है, क्या कारण है? आई एम स्टिल बैचुलर, अभी तक शादी नहीं हुई है, क्या कारण है? और मैं उन्हें जब बताता हूं कि मुझे मोहब्बत है तो वो जानने की कोशिश करते हैं किससे मुझे मोहब्बत है, सिक्योर लाइफ से। मुझे मोहब्बत है सिक्योर लाइफ से, यही वजह है कि अभी तक आई एम स्टिल बैचलर, क्योंकि वो मोहब्बत अपना नजारा ही नहीं बदल रही है, वो मोहब्बत और गहरी होती जा रही है। कुछ ऐसी ही मोहब्बत है हमारी सिक्योर लाइफ से, हम चारों भाई, इवन देन हमारा पूरा परिवार आज सिक्योर लाइफ बिजनेस कर रहा है और बहुत अच्छी इनकम हम सिक्योर लाइफ बिजनेस से कर चुके हैं। हमारा बचपन हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर रामपुर शहर में हुआ। हमारा अपना बिजनेस है एप्पल्स का, सेब का, हमारे सेब के अपने बगीचे हैं और लगभग 5 से 10 लाख रुपए के सालाना सेब होते हैं। और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं, तो घर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी डिसिप्लिन, और आज उसी डिसिप्लिन का नतीजा है कि आज हम इस बिजनेस में डबल डायमंड हैं। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की हिमाचल में, बहुत कम लोग हिमाचल से दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं। पापा ने पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो, मैंने एक मूवी देखी थी बचपन में, शायद आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, राजू बन गया जेंटलमैन। उस मूवी से मेरी जिंदगी के अंदर 2 ख्वाब बने, पहला कि मुझे इंजीनियर बनना है और दूसरा मुझे एक्टर बनना है। और ये दोनों ख्वाब मुझे दिल्ली लेके आ गए। अगर मुझे थिएटर करना था वो भी दिल्ली में था, अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी, बहुत सारे कॉलेजेस थे दिल्ली के अंदर, और मैं लाया बहुत सारे ख्वाब लेके, बहुत सारे सपने लेके, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। जब इंजीनियर बन के निकला तो जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी राजू बन गया जेंटलमैन में दिखाई गई थी। जिंदगी एक छोटी सी सैलरी के ऊपर बैठ के रह चुकी थी, जिंदगी एक छोटी सी सैलरी में बंद के रह चुकी थी, और वो छोटी सी सैलरी मात्र 25,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी अपनी जिंदगी में जब अपने सपनों को देखता था वो सपने बहुत दूर नजर आते थे, इतने दूर कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था मेरे दोस्त। अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ अपना एक्टिंग कोर्स भी कंप्लीट किया, मैंने 1 साल का एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया। एनएसडी से बहुत सारे फैकल्टीज को मैं जानता हूं, बहुत सारे उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। मैंने 14 प्ले किए थिएटर एज अ थिएटर आर्टिस्ट, और उन 14 प्ले के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रोल्स निभाए, मगर एक चीज की कमी थी, पैसे की। रोल्स अच्छे मिलते थे, सब कुछ अच्छा मिलता था, एक ही चीज नहीं मिलती थी, वो था पैसा। अब यह था कि अब थिएटर छोड़ के अब मुंबई की तरफ रुख करना है। काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं मुंबई में सरवाइव कर सकूं और अपने सपनों को पूरा कर सकूं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मुंबई बहुत महंगी जगह है। कम से कम 50,000 रुपये महीना मुझे मुंबई में सरवाइव करने के लिए चाहिए था, और मेरी सैलरी भी इससे कम से कम आधी थी। अगर मैं वहां जॉब करता तो फिर मैं एक्टिंग नहीं कर पाता था। तो यही वजह थी कि मैं दिल्ली में ये सोच रहा था, ये विकल्प ढूंढ रहा था कि हे भगवान कुछ ऐसा मिले जहां से जिंदगी बदल जाए। और उतने में मेरे छोटे भाई रोहित पटियाल भी दिल्ली आ गए। मेरे भाई ने मुझे एक कोर्स के बारे में बताया एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर। डिप्लोमा करने के बाद मैं बहुत खुश था उस कोर्स को करने के बाद, एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर के बाद। मुझे लग रहा था शायद ऐसा कोर्स शायद कोई करता ही नहीं होगा, और मुझे वहां बड़े बड़े सपने दिखाए गए। और उस सर्टिफिकेट को लेकर जब मैं हिमाचल गया तो हिमाचल में मैंने देखा कि उस कोर्स की एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर की हिमाचल में नौकरी ही नहीं है, और बहुत दुख हुआ, दिल को ठेस लगी। ऐसा लगा सारे सपने शायद चकनाचूर हो गए, क्योंकि मैं नौकरी करना चाहता था, और हिमाचल में नौकरी नहीं होने के कारण मुझे दिल्ली में भटकना पड़ा। बार बार हर जगह गया अपने सर्टिफिकेट को लेकर, नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, और लास्ट टिल मुझे एयरपोर्ट के अंदर नौकरी मिली मात्र 15,000 की। और उस वक्त मेरे छोटे भाई आजाद पटियाल और श्रवण पटियाल दोनों भी मेरे साथ दिल्ली आ चुके थे, और हम चारों भाई मात्र 4 दीवारी के अंदर सिमट के रह गए थे, और हमारे सपने सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी के अंदर सिमट रहे कर रह गए थे। हमारे सपने गाड़ी के थे, बंगले के थे। लोग कहते थे कि इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, शायद अच्छा बंगला बनाएंगे, अच्छे बैंक बैलेंस बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं था।
ये पैसा हमारे लिए एक जंजीर बन गई थी, इसने हमारी टांगों को जकड़ रखा था। और आज भी मैं इस पैसे से उतनी ही नफरत करता हूं जितने आज से 5.5 साल पहले करता था। मालूम है क्यों? क्योंकि इस पैसे ने मेरे और मेरे सपनों के बीच में जो दीवार बना के रखी थी, उस दीवार की वजह से मैं अपने सपनों से बहुत दूर था। और यही वजह है कि आज भी मैं इस पैसे से इतनी नफरत करता हूं, इतनी नफरत करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि जब मुझे पहाड़ों में ठंड लगेगी और मैं पैसे को फूंक के तापूंगा। और शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज वो 25,000 रुपए महीने और 15,000 रुपए महीने कमाने वाले जो शख्स थे, आज हजारों में नहीं लाखों में कमाते हैं। कहते हैं कि मन में विश्वास हो तो जीत आपकी होती है, और कुछ ऐसा ही हम ढूंढ रहे थे और हमें मिला भी वैसा ही। और एक दिन मेरे एक दोस्त का फोन आया, कहा कि पटियाल बहुत दिन हो गए आप तुमसे मिले हुए, आ जाओ सीवन जनकपुरी। मैं दौड़ता अपने उस दोस्त के पास गया तो वहां देखा तो प्लान दिखाया जा रहा था, यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही थी, बल्कि दिखाई किसी और को जा रही थी। मैं उस दोस्त का दोस्त था, मैं गेस्ट का गेस्ट था। जब मैं प्लान देख रहा था तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए कमाए जा सकते। और जब मैंने प्लान देखा तो जिसको वो प्लान दिखाया जा रहा था, मेरा वो दोस्त, वो अपनी प्रॉब्लम्स पूछे जा रहा था कि इनकम कहां से आती है, कैसे पैसे बनते हैं, कहां से ऐसा होगा, कैसे नेटवर्क जनरेट हो रहा, डाउट वो पूछ रहा था, क्लियर मेरे हो रहे थे, सवाल वो पूछ रहा था, क्लियर मेरे हो रहे थे। इस तरीके से जब मुझे पूरा बिजनेस प्लान समझ में आया, मैं दौड़ता अपने एक दोस्त के पास गया, क्योंकि वो दोस्त, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारा वो दोस्त कुछ ऐसा ही बिजनेस कर रहा था। थी तो वैसे ये गलती, मगर उस गलती की वजह से भी मुझे एक अच्छी गाइडलाइन मिली, मगर अक्सर लोगों को अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलती है। मगर आज मैं अपने उस दोस्त का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे कहा कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिससे इंसान अपनी हर एक सपनों को पूरा कर सकता है। उसने मुझे एक्सप्लेन किया इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि वो पहले से जानता था कुछ इस तरीके के बिजनेस को। उसने कहा ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, उसने कहा ये ऐसा बिजनेस है जिसको MLM कहते हैं, मैंने पहली बार नाम सुना था। उसने कहा अगर तू इस बिजनेस के पूरे प्रोटोकॉल्स को, अगर इस बिजनेस के पूरे सिस्टम को, अगर बिजनेस को सीखेगा तो इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाने की चाहत है तो वो भी कर सकता है। तू 2 लाख कमाना चाहता है तू कमा सकता है, तू 3 कमाना चाहता है कमा सकता है। तू बोल तेरी चाहत क्या, तू अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमाएगा, जरूरतों के हिसाब से नहीं। और मैं खुशनसीब हूं कि 15 मार्च 2008 को ये मेरी बुद्धि, ये मेरा दिमाग काम कर गया और मैंने इस बिजनेस के अंदर हां कर दी। और आज 5.5 साल पहले की वो हां ने आज जिंदगी बदल करके रख दी, और मैंने डिसीजन लिया ये बिजनेस हम चारों भाई मिलके करेंगे। जब हम चारों भाइयों ने स्टार्ट किया तो हमने यहां पे दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों को मिलवाया। कहते हैं ना इस बिजनेस में हॉट लोगों को मिलवाना जरूरी है, कहते हैं। तो हमारे पास हॉट तो थे नहीं, वो तो हिमाचल के अंदर थे। हमने गलती करी, यहां पे बहुत सारे लोगों को मिलवाना स्टार्ट कर लिया, कम से कम 40 लोगों को मिलवाया और रिजल्ट नहीं आए। और हमें समझ आया कि भाई अगर हम मिलवा रहे हैं वो ज्वाइन नहीं हो रहे, क्या कारण है। तो हमें बताया गया कि आपके हॉट इस बिजनेस में जरूरी है, आपको उन लोगों को मिलवाना है जिनको आप पे विश्वास है। तो हमने 1 महीने तक हिमाचल जाने से पहले चारों भाइयों ने 1 महीने तक दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने और आजाद पटियाल जी ने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी ड्रॉप कर रहा हूं और हम दोनों भाई हिमाचल जाएंगे, हम दोनों भाई हिमाचल के अंदर बिजनेस करेंगे। और हम दोनों भाई हिमाचल गए और शुरुआत करी हिमाचल के अंदर, और पहले ही वीक के अंदर 22 सेल्स निकाल दी। पहले वीक के अंदर हमारे अंदर जोश था, जनून था, और हमारे पास एक फाइल थी और बिजनेस बाइबल थी। दोस्तों हमारे अंदर पागलपन था, हम चारों भाइयों के अंदर पागलपन था, जनून था कि नौकरी से क्राइस नहीं बन सकते, राइस बनना है तो सिर्फ और सिर्फ सक्योर लाइफ करना पड़ेगा। दोनों भाई हर रोज न जाने कितने किलोमीटर, आपको पता है पहाड़ों में पहाड़ है, सीधा तो है नहीं है, कई बार 15-15 किलोमीटर
चढ़ाई चढ़ने के बाद, प्लान देने के बाद वहां पे कई बार सेल नहीं आती थी और अंदर से हम टूट जाते थे। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे याद है कि हमारी 2 महीने तक एक भी रुपए की इनकम नहीं आई थी, 2 महीने तक एक भी रुपए की इनकम नहीं आई थी। और हमें सबसे पहला सबक मिल चुका था कि इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो हमारे अंदर पेशेंस होने बहुत जरूरी है, हमारे अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर उस 2 महीने की एक भी रुपए की ना इनकम आने से अगर मैं डिमोटिवेट हो जाता, अगर मैं सोच लेता नहीं ये बिजनेस अब नहीं चलेगा या फिर ये बिजनेस अब नहीं कर सकता हूं, तो शायद मैं आज आपके सामने ना होता। हमने बिजनेस करना जब शुरू किया तो लोग कहते थे कि पता नहीं दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली में क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि हिमाचल से बहुत कम लोग दिल्ली आते हैं। यहां के लोग दिल्ली तो हिमाचल तो घूमने जाते हैं, मगर हिमाचल के लोग घूमने दिल्ली कभी नहीं आते। और यह बहुत मुश्किल था हमारे लिए लोगों को समझाना, उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाए जा सकते थे। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट हुआ करती थी 2 लाख रुपए हफ्ते की, तो हमें लगा क्यों ना हमें अपनी एक स्टेटमेंट तैयार करनी है। और जैसे ही हम इस बिजनेस से पॉल बने और हमने अपनी 4 हफ्तों की स्टेटमेंट 1 लाख रुपए महीने की बनाई, पॉल बनने के बाद हमने 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया। 1 लाख की स्टेटमेंट पूरी टीम के अंदर बैठ हमने बांटी, फिर हमने 2 लाख रुपए महीने की स्टेटमेंट बनाई, फिर 3 की बनाई, फिर 4 की बनाई, फिर 5 की बनाई, फिर 6 की बनाई, मगर 6 की बनाने के बाद इससे ऊपर नहीं बना पाए। मुझे आज भी याद है कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सीनियर्स ने कैपिंग मारना शुरू कर दिया था, बहुत सारे लोगों के 2-2 लाख रुपए हफ्ते के चेक बन रहे थे। 1 लाख रुपए की पहली कार ली, उस कार के बाद इस बिजनेस से हर 6 महीने के अंदर हम इस बिजनेस से 7 कारें खरीद चुके हैं मेरे दोस्त, 7 कार। अगर मैं उन 7 कारों की बात करूं तो 60 लाख रुपया हमने अपने इंटरटेनमेंट के लिए रोड में फेंक के रखा है। ये औकात है आज से क्यों नहीं की वजह से। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मेरे सर्कल में बहुत अच्छे अच्छे घरों के लड़के थे, बहुत अच्छे, उनकी जो फैमिली थी वो महीने का तकरीबन 4-4, 5-5 लाख कमाती थी, उनके साल के 50 या 1 करोड़ के टर्नओवर हुआ करते थे। मैं उन लोगों के साथ रहता था, उन लड़कों के साथ। मेरे पास ना बाइक थी, मेरे पास ना कार थी, मगर उनके पास कारें भी थी, उनके पास बाइक भी थी। मैं उनकी गाड़ियों में बैठा करता था, उनकी गाड़ियों में घूमा करता था। तो जब मैं उनके घर जाता था, जब मैं उनके आलीशान बंगले देखता था चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, हिमाचल के अंदर, तो मैं सोचता था कभी मैं भी पैसे कमाऊंगा और ऐसा आलीशान बंगला बनाऊंगा। और बंगले की ख्वाब रखने वाला वो व्यक्ति जो मात्र 25,000 रुपए महीना कमाता था, आज सिक्योर लाइफ से जो हमने एक बंगला बनाया है, जमीन अपनी है, फार्म हाउस कह सकते हैं, बंगला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं और उस बंगले की बात करूं, उस कोठी की बात करूं, तो उसकी जो कीमत है आज 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है मेरे दोस्त। आज लोग दूर दूर से उस मकान को देखने आते हैं ताकि हम वैसा मकान बना लें। जब वो मकान के अंदर घुसते हैं तो उनको लगता है कि कौन 1.5 करोड़ रुपया एक मकान के लिए खर्च कर दे, क्योंकि लोग बिजनेस में लगाना पैसा ज्यादा पसंद करते हैं, पर्सनल लाइफ में नहीं। अगर ये हो पाया ड्यू टू सिक्योर लाइफ, क्योंकि सिक्योर लाइफ पहला बिजनेस है जिसमें बिजनेस में पैसा लगाना नहीं पड़ता। तो कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था एक आदमी जो नौकरी करता था 25,000 रुपए महीना कमाता था, वो आदमी अपने भाइयों के साथ इस कदर रईस हो जाएगा। आज उस रईसी के पीछे अगर कोई चीज है तो वो है इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम और सिक्योर लाइफ। आज इस बिजनेस से अगर मैं इनकम की बात करूं तो 2.5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट कमा चुके हैं। अगर मैं अपने एक दिन की बात करूं तो अच्छे अच्छे इंजीनियरों से ज्यादा की इनकम है मेरी एक दिन की। तो सोच के देखो मेरे दोस्त, अगर वो 5.5 साल पहले मैंने डिसीजन ना लिया होता, आज भी मैं वही छोटी सी जिंदगी जी रहा होता। आज जिंदगी इतनी आलीशान है, लोग पूछते हैं जिन भी इंसानों से, जिन भी भगवानों से मैंने कुछ भी सीखा है, मैं उन हर एक विभूति को आज अपने इस दिल से नमन करता हूं कि थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से आज ये भूषण बटियाल जो 25,000 का आदमी था 8 लाख रुपए महीना कमाता है मेरे दोस्त।
डर हमें भी लगा फासला देखकर, पर हम बढ़ते गए रास्ता देखकर। खुद में खुद हमारे नजदीक आती गई हमारी मंजिलें, हमारा जज्बा और हमारा हौसला देखकर। एक बार फिर मोहब्बत करके देखिए सिक्योर लाइफ से, और वैसी मोहब्बत जैसे मैंने की थी, और मंजिलें आपके पास खुद आनी शुरू हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे।